तो दोस्तों आज हम चेक करेंगे क्या होता है अगर हमारा फ़ोन, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोन सही है हमारा, अगर आपके पास हैंगिंग की प्रॉब्लम ऐसे आता है, फ़ोन आपका हैंग हो गया है या फिर लॉक हो गया है या फिर कोई अदर समस्या आ रही हो, कोई ऐप्स ऑन नहीं हो रहा, इंस्टॉल या नॉट रिस्पॉन्डिंग, नॉट रिस्पॉन्डिंग एरर का ऑप्शन आ रहा हो, कई तरीके से आपके अंदर एरर आ सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आप सॉफ्टवेयर कराते हो, और अगर बाई चांस सॉफ्टवेयर करते करते आपका फ़ोन का डाटा केबल हिल जाता है, लाइट चली जाती है, कंप्यूटर आपका ऑफ रहता है, कई तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको फिक्स कैसे करोगे वो मैं आपको बताऊँगा, और सॉफ्टवेयर कैसे करें फ़ोन के अंदर। जैसे मान लो सही फ़ोन है, अभी हमारे पास सही फ़ोन आया पड़ा है, इसके अंदर हम सॉफ्टवेयर डाल के देखेंगे अगर डाटा केबल हिल जाती है तो फिर कैसे रिकवर करें इसको, क्या होता है सिचुएशन में, लाइट चली जाती है तो क्या होता है सिचुएशन में। ये फ़ोन सेम कंडीशन में सही है, एकदम ओके कंडीशन में है, और अगर इसको उसका नाम किसका सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है तो क्या करना, सॉफ्टवेयर कैसे क्रैश होते हैं, ठीक है, और इसको इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, सही फ़ोन को ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे कि सॉफ्टवेयर डालते वक्त अगर बाई चांस आपका डाटा केबल हिल जाती है, लाइट चली जाती है तो क्या होता है सिचुएशन में, तो इसके हम बारे में बात करेंगे। बीच बीच में सॉफ्टवेयर अटक जाता है तो क्या होता है इस सिचुएशन में बात करेंगे हम। दोस्तों अब देखते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं, और इसका फटाफट डाल फ्रेश फाइल डाउनलोड करते हैं, जैसे कि मैं आप यहाँ पर 9 मिनट दिखा रहा है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये फ्लैश फाइल में डाउनलोड कर, ये फ्लैश फाइल में डाउनलोड कर रहा हूँ, आपको 8 मिनट दिखा रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ मैं। तो वीडियो बोले रहे, वीडियो पूरी देखें, वीडियो पसंद आता सपोर्ट कीजिए, ताकि आप लोगों को इससे नॉलेज मिले कि अगर बाई चांस आपका सॉफ्टवेयर क्रैश होता है तो क्या करना चाहिए सिचुएशन में, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो वीडियो पूरी बने रहें, वीडियो को देखते रहें, और वीडियो तो लंबी ना हो इसलिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। सर ये डाउनलोड किया है, देखो एस पी फ्लैश टू डाउनलोड कर लिया है, ठीक है, उसको हम हैशटैग करते हैं, हैशटैग देख रहे हैं, अगर राइट क्लिक करके उसको हैशटैग कर लेते हैं, ठीक है, हैशटैग हो गया यहाँ पे, इसे लेते हैं डेस्कटॉप पे, उसको हमें क्या करना है सिंपल, उसको दोबारा क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। हमारे को हमें दो फाइल चाहिए, एक ये एस पी फ्लैश टू और एक चाहिए एम आई फाइल, ठीक है, दोनों फाइल चाहिए हमें, फ्लैश टू है और ये फ्लैश फाइल है, ठीक है, उसको हमें ओपन किया, उसके बाद डाउनलोड एज फाइल पहले से सेलेक्ट करनी पड़ी, अब हमें सेक्टर फाइल को सिलेक्ट करना, सेक्टर फाइल को सिलेक्ट करने के लिए चूज फाइल पर जाना है, और उसके बाद यहाँ पे जहाँ पर हमारी फाइल है उस फाइल को चेक करना है, ओपन डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप पर क्लिक करना है, और उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आओगे, ये देख सकते हैं रेडमी का फिंगर टेन है फोल्डर, इसमें क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और फैमिलर पर क्लिक करके एन टी 67 एंड्रॉइड, इस पर क्लिक करके उसको सेलेक्ट, अब यहाँ पे हम इसको टिक रीलोडर को अनटिक कर देंगे, देन इसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे जैसे ही और हमें तुरंत फ़ोन पे कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हो फ़ोन हमारा भी ऑन है, ठीक है, सब करते पहले सबसे पहले फ़ोन को ऑफ, यहाँ में किया फ़ोन को ऑफ, प्लस माइनस के टर्म्स दबा के, और देन उसके बाद यहाँ पे हम डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, सूर्य आइए फ्लैश करने के लिए आपको फ़ोन में कम से कम 20% से ऊपर बैटरी होनी चाहिए, लेकिन हम फोन को हम बता रहे क्रैश कैसे होता है, तो आपको घबराना नहीं है, तो ये निकाल दिया हमने, यूएसबी के और लगा रखी है, अब यहाँ से दोनों दबा के और यूएसबी केबल कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये दबाएंगे प्लस माइनस का, और यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करते हैं, डाउनलोड पर क्लिक कर दिया हमने, ठीक है, अभी पोर्ट मांग रहा है, यहाँ पे पोर्ट नहीं है ना, हम उसको प्लस माइनस कर से फोन को कनेक्ट करते हैं और यूएसबी लगा देते हैं, तो
एक्सपायर के बाद सर मैंने इसको करने की कोशिश करी। ठीक है, ये देख सकते हैं कनेक्ट है और यहाँ रख दिया उसको। उसके बाद पहले हमने यहाँ से बाईपास कर लिया इसके मदद से स्पीड की मदद से, और उसके बाद हमने स्पीड की मदद से डाउनलोड कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैश फ्लैश डाउनलोड करते हैं। बीच में होने के बाद इसका हम निकालेंगे और दिखाएंगे आपका अगर फ़ोन क्रैश हो जाता है, आप डाटा की खड़ जाती है या फिर से फ़ोन लैपटॉप स्विच हो जाता है आपका सेट होता है ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, तो इस सिचुएशन में आपके पास फोन सकता है दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे अब इसको हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। अभी देख सकते हैं ये हमारे पास फ़ोन है एम आई का, दोबारा दिखाता हूँ आपको एम आई का प्लान है। अब इसका हम डाटा क्लिप निकालेंगे और आपको दिखाता हूँ कैसे फ़ोन फिर ऑन होता है कि नहीं होता, हम चेक करेंगे सब दिखाने की कोशिश करता हूँ सही से। ठीक है, तो आपने देख लिया इस तरीके से। अब इसको हम करते हैं डिस्कनेक्ट, हम देख सकते हैं यहाँ पर हिंट एरर आ गया। ठीक है, देख सकते हैं हिंट एरर आ गया। अब इसको हमको ऑन करने के लिए करते हैं, चीज़ निकाल दिया है ना कंप्यूटर से निकाल दिया उसको ऑन कर पाएंगे। देखते हैं ऑन होता है कि नहीं होता, ये एम आई लोगों पर आ चुका है। अब इसको देखना है हमें ये एम आई लोगों पर पानी के बाद ये ऑन होता है कि नहीं होता है। देखते हैं एम आई लोगों पर आके फिर ये रिबूट हुआ, देन उसके बाद अभी ऑफ हुआ। प्रॉब्लम आ चुकी है इसके अंदर, तो आपको क्या करना है घबराना नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था उसी तरीके से टाइम आपको फ्लैश कर देना है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे करना है। ठीक है, अब आपको सिंपल क्या करना है, तो मैंने आपको दिखाया था कि अगर बाय चांस आपका डाटा केबल हिल जाती है फ्लैश करते वक्त और आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है या फ़ोन गलती से हिल जाता है, तो आपके जो प्रॉब्लम आती है हाफ में ही आधे में ही या जैसे भी, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा आपका और उसके बाद फ़ोन जैसे है इस कंडीशन में आ जाएगा। ये दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो एम आई लोगो दिखा रहा है, फिर इसके बाद रिबूट हो रहा है, एम आई लोगो दिखाएगा उसके बाद रिपोर्ट होगा, तो इस कंडीशन में आ जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको सेम कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ फ्लैश कर देना प्रॉपर तरीके से। इस तरीके से आपको जाके रीसेट करना है, आप देख लेना रीसेट जाता है कि नहीं जाता। जैसे हमने यहाँ से रीसेट करने की कोशिश करता हूँ, पावर अप और डाउन, पावर अप और आपका सॉरी वॉल्यूम अप और पावर के टच से मैं तो रिकवरी मोड लेने की कोशिश करता हूँ, चेक करता हूँ जाता कि नहीं जाता। कुछ देर तक दबा कर रखता हूँ एम आई लोगों को टिका हुआ है और उसके बाद ये देख सकते हो यहाँ पर रिकवरी मोड में आ चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर रिबूट डाटा का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। देन उसके बाद वाइप ऑल डाटा पर क्लिक करते हैं और उसको चेक करते हैं कंफर्म करके कि हमारा ये प्रॉब्लम जो हुआ है फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ। डाटा सक्सेसफुल बता रहा है तो हम उसको बैक कर लेते हैं, फिर रिबूट करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं ये हमारा जो प्रॉब्लम आ रही थी फ्लैश करने के बाद ये प्रॉब्लम रिसॉल्व हुई कि नहीं हुई, तो उसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा ये प्रॉब्लम के अंदर सेम प्रॉब्लम है, तो आपको इस कंडीशन में फ्लैश करना पड़ेगा। मैंने तो आपको दिखाया था बाई चांस कभी आपका दिक्कत आ जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप प्रॉपर तरीके से फ्लैश कीजिए, डाटा केबल चेक कीजिए, अपना यूएसबी पोर्ट चेक कीजिए कहीं उसके अंदर दिक्कत ना हो, इस वजह से आपका ये दिक्कत हो सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गई वीडियो समझ में आए, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करके बताइए। अगर आपके फ़ोन में भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो जरूर कमेंट बताइए आपने फिक्स कैसे किया और कैसे करना चाहिए आपको, मैंने आपको बता दिया इस वीडियो के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।